एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी गुड वाइब का एक ग्रीन टी फेस मास्क। ये गुड वाइब के मैं इससे पहले अपने चैनल पे गुड वाइब्स की एक दो चीजें रिव्यू कर चुकी हूं और कुछ सारी चीजों में से मेरी कुछ फेवरेट बनी है, जिसमें से एक ऑरेंज जेल था इनका, एक इनका मैंने एसेंशियल ऑयल लिया था और अभी मैंने कुछ सामान मंगाया है और ये मैं यूज कर रही हूँ मास्क। काफी अच्छा मास्क मुझे लगा और सबसे अच्छी बात मुझे इस ग्रीन टी मास्क की ये लगी कि जब आप इसे अप्लाई किया मैंने अपने फेस में, मैं बहुत ही जल्दी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, मतलब मैं बहुत जल्दी अब किसी भी प्रोडक्ट को अपना थम्स अप नहीं देती हूँ अंटिल अनलेस जब तक मैं फुल्ली फुल्ली सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। बट अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे ही ये सिंपल कंटेनर है, जैसे ग्रीस के ऑरेंज जेल का था या फिर क्यूकम्बर जेल का था, उसी तरीके का ये है और 225 रुपीज इसकी MRP है और जो यूजली 90% टाइम डिस्काउंट में मिला था मुझे। ऑब्वियसली ये मुझे डिस्काउंट में मिला था किसी एक चार पांच चीजों के साथ मैंने लिया था। और जब मैंने इसे लगाया, मैंने अप्लाई किया, इस तरीके से आया था। आई डोंट नो ये ऐसे क्यों आया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हाफ मेरे को मिला है, बट ठीक है अब आ गया था तो यूज मैंने किया। आई डोंट नो ऐसा ही मिला है या फिर ऐसा ही होता है, ये इस तरीके का था ये। उसके ऊपर एक कैप था, वो मेरा पता नहीं कहाँ चला गया है। और जब मैंने इसे अप्लाई किया अपने फेस में तो मुझे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी 2 मिनट 1 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे मेरा फेस जैसे हल्का सा इरिटेट हो रहा है, बट उसके बाद ठीक तरीके से वो अपने आप ही ठीक हो गया। और जब मैंने इसे अप्लाई किया काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 15 मिनट्स में ही ड्राई हो गया। उसके बाद मैंने वॉश किया और अच्छा सा एक ग्लो आया, मतलब क्लियर हुआ। मुझे ऐसा लगा इसने काफ़ी इम्प्योरिटीज़ मेरे फेस से निकाली है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसका रिव्यू। मतलब मैं इसीलिए आपको मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसका यूज़ किया और मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और प्राइस भी ठीक है इसका। और ग्रीन इसमें जो मेंशन किया है, इसमें कोई किसी भी तरीके के, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबिन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, ऑलवेज डिस्काउंट में मिल जाता है, इंडियन ब्रांड है, और क्या चाहिए आपको। और ग्रीन टी के तो आपको पता है, आप ग्रीन टी यूज़ करते हैं अपने, अगर आप लोग देते होंगे जैसे मैं यूजली ग्रीन टी 2 बार लेती हूँ, पीती हूँ, तो बॉडी के लिए कितना अच्छा है, फेस के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है ग्रीन टी। आप इसकी सबसे अच्छी जो मैं आपको ग्रीन टी की ये चीज़ 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि क्या होता है, आपके पोर्स जो होते हैं उनके श्रिंक करती है, फेस के कॉम्प्लेक्शन को भी क्लीन करती है, टेक्स्चर इंप्रूव करती है आपका, और जिनकी मैं पफीनेस होती है आईज में, जिनकी पफीनेस होती है उसको ये रिड्यूस करती है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ग्रीन टी पीते हैं, आप लोग जैसे ग्रीन टी पीते होंगे तो उसमें जब आप अपने सैशे डालते हैं, अगर वो सैशे वाला यूज करके आप डालेंगे, तो उसके बाद जब आप इसे निकाल देते हैं, आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रीजर के जो नीचे वाला होता है और उसके ऊपर आप अपने आईज के जो ये आपके आई बैग्स होते हैं उसमें आप लगाएंगे, तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। आपकी जो आई बैग्स होते हैं या फिर आपकी पफीनेस होती है उसको रिड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली एंटी एजिंग तो होती ही है ग्रीन टी। तो काफी चीजें इसके फायदे हैं आपके फेस के लिए और जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे को तो ग्रीन टी वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा 2 बार ले रही हूँ ग्रीन टी अपनी लाइफ में, मेरे एक इंटीग्रल पार्ट है ग्रीन टी का। तो ये मास्क जब मुझे दिखा था तो मैंने कहा चलो एक बार ऑर्डर करके देख लेते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा तो ठीक है मेरी तरफ मैं इसे यूज करूंगी, अदरवाइज तो फिर तो मेरी तरफ से बाय बाय। पर ये अच्छा मास्क है और सबसे अच्छी बात है एक डिस्काउंट में मिल जाता है। और फेस में मैंने इसे 3 बार अप्लाई किया है, ये मेरा आज ये 3 बार मैंने इसे अप्लाई किया और मैं हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से। और सब स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है कोई भी स्किन टाइप हो, मेरा नॉर्मल स्किन है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी सिस्टर ने भी यूज किया, वो भी खुश है, और दो जिनके ड्राई स्किन है वो भी यूज कर सकते हैं। ऑल इन ऑल सबके लिए अच्छा है और अच्छा आपकी स्किन के लिए भी होता है। एंटी एजिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो कर लीजिए, और जिसके कई छोटे छोटे ना आपके किसी कई के लोगों में मैंने देखा है ना कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है फेस में, रेडनेस आ जाती है या फिर कोई पैच हो जाते हैं, वो भी अगर नॉट मीनिंग होंगे कि एक बार आप यूज करेंगे ओवरनाइट नहीं, कोई चीज को यूज करने के लिए आपको टाइम दीजिए। किसी किसका स्किन जल्दी रिजल्ट बता देता है, किसी में टाइम लगता है, बट ठीक है मेरे स्किन में 2-3 बार यूज किया मैंने, उसके बाद ही मैं ये बता रही हूँ कि एक टाइम में एक दिन 2 दिन यूज करने के बाद आपको नहीं पता चलता है। चाहे आप कोई क्रीम यूज कीजिए या कोई मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, आप जजमेंट जब ही कर सकते हैं जब उसे आप यूज करें। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। और जो लोग देख रहे हैं कि भैया आपको घर पे ही पैम्पर करना है और आपको कुछ तामझाम नहीं करने है, एक रेडीमेड सा आप कंटेनर ढूंढ रहे हैं कि भैया जरा फेस में लगा लो और उसके बाद वॉश कर लो अपना फेस, तो ठीक है आप ये ले सकते हैं, अफोर्डेबल भी आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज ये 225 का है MRP की। यस 225 का था और मुझे मिला था, मैंने डिस्काउंट में ही लिया था। और अच्छा है प्रोडक्ट, जैसे नॉर्मल जैसे ग्रीन टी ग्रीन कलर की होती है उसी तरीके से ग्रीन कलर का है ये। और बस मुझे ऐसा लगा कि जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो ऐसे ही था, मतलब कोई इसमें बैलेंस ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं था, इसी तरीके के साथ इसके ऊपर एक कुछ एक था वो मेरा मिस हो गया।
और जब मैंने इसे अप्लाई किया अपने फेस पे तो 1-2 मिनट्स मुझे थोड़ा सा हल्का सा इरिटेशन जिसे कहते हैं उसके बाद ये हट गया। बट ठीक है, ये मेरा चल जाएगा अगर मैं इसे वीकली 2 बार भी यूज़ करूँ तो। ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट मेरा, अगर मैं वीकली इसको मैं 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ इसको, और ये 1 महीने आराम से 2 महीने चलेगा ऐसे नेक में और अपने फेस में मैं अप्लाई करूंगी। तो मेरी तरफ से ये अच्छा है प्रोडक्ट, आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ करना चाहते हैं, जो इस तरीके का कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें, कि क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मेरे चैनल में आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी रिव्यूज़ करे हैं अपने, चाहे कॉस्मेटिक का कर लो, DIYs कर लो, हेयर केयर कर लो, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं आगे इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। लास्ट में कहूँगी, अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी तरीके का मास्क जो कि आपके फेस इसका टेक्सचर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा, कोई जो पफीनेस है जो आपकी आपकी आईज के नीचे होती है, पफीनेस हो गई, बैग आई बैग्स हो गए, उसको भी रिड्यूस करेगा, पोर्स को आपकी श्रिंक करता है, आपके अच्छे तरीके से पोर्स पे काम करता है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑब्वियसली ये ग्रीन टी का है तो ऑल इन ऑल आपके फेस के लिए तो अच्छा ही होगा। आप चेक करिएगा और मुझे बताइएगा, जब आधे लोग अगर यूज कर रहे हैं तो जब आपको ये रिसीव हुआ था क्या इसी तरीके से रिसीव हुआ था, मतलब इसके ऊपर एक कैप सा था बट ये इस तरीके से मुझे मिला है। आई डोंट नो ये इस तरीके से ही था या फिर ऐसे ही मुझे